दोस्तों सैमसंग ने ऑफिशियली सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 का टीजर लॉन्च कर दिया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जो नोट 10 के फीचर्स इस बार होने वाले हैं वो काफी टॉप नॉच होने वाले हैं। तो मैंने सोचा यार क्यों ना इस पर एक डिटेल वीडियो बना दिया जाए और आपसे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। तो सबसे पहले हमें टीजर में देखने को मिलता है यस पेन, जो कि काफी कमाल दिख रहा है। मतलब यार नोट 9 के कंपेयर ये काफी अच्छा होने वाला है। और आपने काफी सारे रूमर्स या फिर लीक्स देखे होंगे जिसमें आपको बताया गया होगा कि जो एस पेन में है वो पे आपको कैमरा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एस पेन एक सिंपल ब्लूटूथ इनेबल एस पेन होने वाला है जिसमें कोई भी कैमरा नहीं होगा। जहां तक मैंने टीजर को बारीकी से देखा तो आप पता चलता है कि जो गैलेक्सी डेस्क सेटअप होता है वो काफी ज्यादा इंप्रूव्ड वर्जन में आपको देखने को मिलेगा। मतलब आप अभी नोट 10 को कंप्यूटर की तरह यूज कर पाओगे बिना कोई दिक्कत के। तो अभी आप डेफिनेटली सोच रहे होंगे क्या गैलेक्सी नोट 10 में आपको हेडफोन जैक मिलेगा। तो यार इसके बारे में थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि मतलब सैमसंग ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि जो गैलेक्सी जो प्रीमियम सीरीज है उनकी उसमें वो हेडफोन जैक रिमूव करना चाहते हैं। तो क्या नोट 10 में ही वो हेडफोन जैक रिमूव कर देंगे, इसके बारे में थोड़ा कहना मुश्किल है। या फिर हो सकता है कि नोट 10 में आपको हेडफोन जैक देखने को मिले और जो बाद में जो गैलेक्सी की सीरीज आए उसमें आपको हेडफोन जैक ना मिले, तो इसके बारे में थोड़ा कहना मुश्किल है। लेकिन देखते हैं आखिर क्या होता है। अभी बात कर लेते हैं नोट 10 के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। मतलब काफी सारे टॉप नॉच स्पेसिफिकेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे कि प्रोसेसर की अगर हम बात करते हैं तो स्नैपड्रैगन 855 का आपको प्रोसेसर मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ यूएस वर्जन या फिर बाकी सारे वर्जन पे मिलेंगे। लेकिन जो इंडियन वर्जन होगा नोट 10 का उसमें आपको एक्सिनस 9820 मिलेगा। ये ऐसा सैमसंग क्यों करता है इसके बारे में मुझे अभी तक डिटेल नहीं मिली है। बाकी सारी अगर रैम की बात की जाए तो 8GB की मिनिमम रैम होगी और मैक्सिमम 12GB तक होगी। नोट 10 के कैमरा की ओर बढ़े तो आपको वहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा जो कि काफी कमाल होने वाला है। मतलब काफी सारे लेंसेज वहाँ पे यूज होने वाली है, लेकिन यहाँ पे पूरी इसकी लीक या फिर कोई भी स्पेसिफिकेशन अभी तक सामने नहीं आई है। तो हाँ ट्रिपल कैमरा सेटअप होने वाला है ये तो कन्फर्म है, लेकिन कैमरा कितने मेगापिक्सल के होने वाले हैं, क्या क्या सेंसर यूज होने वाले हैं, इसकी अभी तक कोई भी डिटेल सामने नहीं आई है। दोस्तों अभी 4G का ट्रेंड खत्म हो रहा है और जैसे जैसे प्रीमियम स्मार्टफोन कंपनीज है वो 5G का सपोर्ट दे रही है अपने स्मार्टफोन में, तो क्या नोट 10 में भी 5G आपको मिलेगा? तो हाँ मिल सकता है। मतलब जो नोट 10 का जो प्रो वर्जन है या फिर नोट 10 आप प्लस कह सकते हैं उसमें आपको 5G सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन ये सिर्फ यूएस मार्केट में होगा या फिर चाइना मार्केट में होगा। इंडिया में अभी तक 5G कनेक्टिविटी नहीं है, तो इसका मतलब नोट 10 इंडिया में 4G वर्जन में ही आपको देखने को मिल सकता है। तो बस यही है नोट 10 के बारे में सारी डिटेल, जो कि कुछ कन्फर्म है कुछ कन्फर्म नहीं है या फिर कुछ रूमर्स आप उन्हें कह सकते हैं। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं क्या आप और भी कुछ जानते हैं नोट 10 के बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।